खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली से। दो दिन पूर्व हुए हत्या का हुआ खुलासा, मुख्य अभियुक्त हुआ गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा धारा 302 रेतवा के अनुराग हेतु दिया गया निर्देश के अनुपालन में अपूर्व पुलिस अधीक्षक श्री प्रेमचंद के निकट परीक्षण में क्षेत्र अधिकारी सकलिया भवनी श्री गंगरा के निमित्र में प्रभारी निरीक्षक सूर्य प्रताप और पुलिस टीम द्वारा जनता से की गई पूछताछ व विवेचना के क्रम में प्रकाश में अभियुक्त विकास पुत्र मिट्टू यादव निवासी रामलिया थाना चौबेपुर जनपद उड़ासी के मुखबिर की सूचना पर बीती रात जयपुर पुल के पास लगे बैरियर से अभियुक्त के बुलेट के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के जेब से मृतक सोनकर का पीला धातु के सिकड़ रुद्र का माला, मृतक के वृद्ध कार के दो अदर चाबी गुच्छा बरामद हुआ। अभियुक्त के बयान के अनुसार मुलायम यादव निवासी जनपद उड़ासी के मुख्य यादव जौनपुर रोहित यादव जनपद उड़ासी के बताया जा रहा है। चंदौली से सुजीत कुमार की खास रिपोर्ट। क्या प्रकरण था, किस घटना का खुलासा कर रहे हैं? देखिए, बलुआ थाना क्षेत्र में परिया गांव के एक मैदान में जो है बलुआ गांव के रहने वाले मुंशी सोनकर की डेडबॉडी मिली थी, जिनके शरीर में चोट थी और शरीर पर भी चोट थी। हत्या होने की आशंका थी, इसमें मुखबिर को लगाया गया था और मुखबिर की सूचना से एक घटना का खुलासा हुआ, जिसमें विकास यादव सन्नाम स्वर्गीय मिट्टू यादव ग्राम रैमला चौबेपुर का रहने वाला है, इसको जो है हिरासत में लिया गया और कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मुंशी सोनकर से इसकी रंजिश थी। पहले दोनों दोस्त थे और बाद में इनसे विवाद हुआ था, जिसमें मुंशी सोनकर ने इसको कई बार बेइज्जत किया था, इसको कई बार मारपीट दिया था, जिससे वो रंजिश रखता था। उसी रंजिश में अपने दोस्त मुलायम यादव जो रोहनिया थाने का रहने वाला है बनारसी का, और भिक्खू यादव जो जौनपुर का रहने वाला है, और रोहित जो बनारस का रहने वाला है, इसके साथ मिलकर अपने मुर्गी फार्म जो रैमला गांव में है, भक्तुआ गांव के पास में, वहां मुर्गी फार्म पर ले गए और ले जाने के बाद इनको मुंशी सोनकर की पिटाई की गई और बेहोशी की हालत में घर में रखा गया, अंधेरा होने का इंतज़ार किया गया। उसके बाद इसका हाथ पैर बांध कर इसके मुंह पर सेलो टेप लगा दिया गया और शाम होने का इंतज़ार किया गया। शाम जब हुई तो मुंशी सोनकर की इब्रेजा कार में इनकी डिक्की में रखकर ये सिधौना खानपुर सैदपुर होते हुए मारूपुर मजदहा होते हुए पलिया गांव के एक स्कूल का मैदान है, स्पोर्ट स्टेडियम है, ले आकर उसमें ईंट से मुंशी सोनकर के सर में कई वार किए गए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अगर इनको संतोष नहीं हुआ तो इन्होंने उस कार को जो है कई बार मुंशी सोनकर के ऊपर चढ़ाया और कन्फर्म हो गया कि ये मृत हो गया है, तो बुलेट गाड़ी थी जिससे ये लोग कार वहीं छोड़ दिए और बुलेट गाड़ी से फिर वापस आकर और चौबेपुर चले गए, वहाँ से फिर अपने अपने स्थान पर चले गए। सर, मामले को लेकर थाना बलुआ SHO का लाइन हाजिर का नाम आया, तो क्या मामला? देखिए, उस समय धरना प्रदर्शन की बात थी और सपा के लोग अड़िग थे और बिल्कुल जो है वो उनका कहना था कि लाश को यहीं लाया जाए तब हम हटेंगे। बाद में जो मुंशी सोनकर के घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि हम इन लोगों के बरगलाने में आ गए थे और हमसे गलती हुई है। लाइन हाजिर का मामला उस समय क्योंकि भीड़ को हटाना था और इसलिए उनको जो है आश्वासन दे दिया गया था, बस वो आश्वासन ही था, लाइन हाजिर नहीं किया गया। सभी लोग सर वहाँ ब्रेजा कार से गए थे? ये सभी ब्रेजा कार से नहीं गए थे, उसमें मुंशी सोनकर को ले जाया गया था, जिसमें मुलायम यादव भिक्खू यादव और मुंशी सोनकर और ये
राजेश विकास यादव गए थे और बाद में भिक्खू यादव द्वारा जो है बुलेट गाड़ी से गए थे और बुलेट गाड़ी बाद में गई, बाद में कार को ही छोड़ दिया गया और बुलेट पर चढ़ के तीनों लोग वापस आए थे।